सबसे बड़ी जो नरसिंगा राव से मनीष जी वो तो आग लगी हुई है, खासकर माँ बेटा। बेटा तो खैर उस समय तमीजी नहीं थी, इसको तो लौंडा ही था। माँ को आग क्यों लगी अभी भी नहीं बेटी? है। हाँ उसको तो खैर अभी भी नहीं है, लेकिन उस समय तो उस समय उसको शामिल नहीं कर सकते। एक जो सबसे महत्वपूर्ण घटनाक्रम है, और अगर कहीं नरसिंगा राव को दूसरा कार्यकाल मिल गया होता, दोबारा वो जीत गए होते, तो निश्चित तौर से सोनिया गांधी जेल में होती। मैं बड़ी गंभीर बात कह रहा हूं, और उसका उसके उसका एक तथ्य बता रहा हूं कि अगर 1995 में नरसिंगा राव दोबारा सत्ता में लौटे होते तो ये सोनिया गांधी जेल में होती मनीष जी। उसका कारण है, और वो उस पर पूरी दुनिया चौंकती, और शायद एक रहस्य जिससे कभी पर्दा नहीं उठा वो पर्दा उठ गया होता अगले 5 साल में। मनीष जी, राजीव गांधी हत्याकांड हुआ, उसमें आईबी का जो एसआईटी का जो चीफ था वो डी कार्तिकेयन था, और आईबी का जो चीफ था वो था एम के नारायणन। और इन जब ये जांच शुरू हुई राजीव गांधी हत्याकांड की, तो 1992 में ही, यानी 91 में तो समझिए राजीव गांधी की हत्या हुई थी, और एम के नारायणन को एक तरह से बर्खास्त किया नरसिंहा राव ने, और उसके खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज करा के जांच के आदेश दिए थे। और क्यों दिए थे, उसका कारण समझ लीजिए कि एम के नारायणन को आईबी चीफ उसको बर्खास्त करके उसके खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज हुआ और जांच के आदेश दिए नरसिंहा राव ने। और वो जो डी के कार्तिकेयन उसको भी उसके पद से हटा के उसके खिलाफ भी जांच के आदेश दिए। जो भाई आईबी चीफ हत्या हुई राजीव गांधी की, और आईबी चीफ को बर्खास्त, उसके खिलाफ आपराधिक जांच, उसका कारण दर्शक समझ लें कि उसमें जो उस समय राम मूर्ति थे प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष, उन्होंने एक वीडियोग्राफर मनीष जी रखा था, और वो राजीव गांधी हत्याकांड से 3-4 घंटे पहले से वहां पे वीडियोग्राफी वो कर रहा था। तो उसमें वो जो शिवरासन और धनु जिन्होंने, उन सबको उसने वीडियो में कैच किया था, और उसके वीडियो में ये भी था कि वो लोग राजीव गांधी की हत्या करने से पहले किससे किससे मिल रहे हैं। तो वो उसमें बड़ा डिटेल में उसके पास कवरेज थी, और जब इन दोनों को जांच सौंपी गई तो इन्होंने वो वीडियो गायब कर दिया, एम के नारायणन और डी के कार्तिकेयन ने। और उसमें जो प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष थे राम मूर्ति, उन्होंने बयान दिया कि मुझसे डी के कार्तिकेयन और एम के नारायणन ने कहा कि इस वीडियो का किसी से जिक्र मत करना। जरा सोचिए कि वो ये हत्याकांड की जांच करने जा रहे थे, और वो जो जांच करने वाले थे वो कह रहे थे कि ये वीडियो गायब, उन्होंने वीडियो तो गायब ही कर दिया, और कहा कि तुम इसका जिक्र किसी से मत करना। तो ये बातें 6 साल 6 महीने के अंदर खुलकर आ गई थी, और अगर वो नरसिंहा राव होते तो ये डी कार्तिकेयन और एम के नारायणन इन पर लठ चलता और सच सामने आ गया होता। और उसका कारण एक और बता दूं मनीष जी, कि ऐसे नहीं कि जिस आदमी को राजीव गांधी हत्याकांड में इतना बड़ा ब्लंडर या इतना बड़ा पाप करने के लिए नरसिंहा राव ने हटाया था, उस आदमी को जैसे ही यूपीए की सरकार आई, सोनिया गांधी ने एनएसए बनाया, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर एम के नारायणन को, और उसके बाद उसको बंगाल का गवर्नर बनाया। तो अपने आदमी की हत्या करके, मैं इस तरह के जिस आदमी की भागीदारी सामने आ गई हो, जिसके खिलाफ आपराधिक केस दर्ज हो राजीव गांधी हत्याकांड में, उसको बंगाल का गवर्नर बना के क्यों खुश कर रही थी सोनिया गांधी, उसको एनएसए बना के क्यों खुश कर रही थी? तो ये सारे रहस्य, क्योंकि नरसिंहा राव की सरकार चली गई और वो चीचा लेदर सरकार आ गई संयुक्त मोर्चा की, और 2 साल के अंदर उन्होंने सारी लीपापोती करके काम खत्म कर दिया। तो वो जो सोनिया गांधी को जो उसने लाश नहीं घुसने दी थी नरसिंहा राव की, उसका कारण यही था कि उसको तो सोनिया नरसिंहा राव की शक्ल से नफरत थी। ये आदमी क्या कर, ये आदमी करता तो सारा खेल खत्म हो गया होता। तो नरसिंहा राव को आज जो प्रधानमंत्री मोदी ने दिया, तो वो उनका योगदान जानते हैं कि वो क्या कैसे व्यक्ति थे, और क्या उन्होंने देश के लिए किया, और कितना बड़ा बयाना उन्होंने ले लिया था। अब बताता हूं मनीष जी, खैराती, सर, इन पे आग खैराती से क्यों पहले लगी? जरा से इस पे हम लोग कुछ देख लेते हैं कि क्यों सोनिया गांधी की यह तस्वीर जो पार्लियामेंट से आई सर, कि पार्लियामेंट में जब उससे पूछा सोनिया गांधी से कि भारत रत्न मिल गया, चूंकि पार्लियामेंट चल रहा है, इसके चेहरे पर देखिए सोनिया गांधी के चेहरे पर हवाइयां क्या है, और ये कह रही बहुत अच्छा हुआ, ये कहने में कितना दर्द है been जरा given देखिए। Bharat Ratna ma'am, what do you have to say about it? Been given Bharat Ratna ma'am, what do you have to say about it? Been given Bharat Ratna ma'am, what do you have to say? ऐसा सांप सूंघा है इस महिला को, मतलब ये कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष रही, ये सर्वे सर्वा थी,
और इस पार्टी के 5 साल तक देश प्रधान का प्रधानमंत्री रहने वाले को इसे तो जश्न मनाना चाहिए बहुत खुशी करके, लेकिन कांग्रेस शुरुआत में ट्वीट तक नहीं जारी करती है। नरसिंह राव के लिए दूरदर्शन से कुछ जारी किया गया, जरा उनकी उस पर भी सुन लेते हैं थोड़ा सा। जहां तक के आर्थिक व्यवस्था का सवाल है, काफी हमें कामयाबी इस दिशा में हुई है। पिछले साल जो हमारी परेशानी, पास विदेशी मुद्रा नहीं थी, शायद एक हफ्ते के अंदर हम डिफॉल्टर बन जाते और हमारी साख एकदम राख में मिल जाती। ऐसे समय बहुत कुछ कहने के लिए है। इतना ही नहीं सर, एक और वीडियो है जो मुझे लगता है चौंकाएगा वो लोगों को कि आप जहां पर आना चाह रहे थे उससे पहले। हमने इसकी इसका जिक्र भी इसी लिहाज से किया कि 2004 में जब 23 दिसंबर को उनका पार्थिव शरीर कांग्रेस मुख्यालय लाया जा रहा था दिल्ली की, मैं उस समय पत्रकारिता की एकदम से नया नया था और पता चला कि कांग्रेस मुख्यालय में पूरी भीड़ लगी हुई है, तो हम लोग एकदम से पूरी, मतलब मैं बतौर रिपोर्टर वहां नहीं था, उसकी रिपोर्टिंग नहीं कर रहे थे, दर्शक के रूप में थे वहां दिल्ली में। और याद आता है कि किस तरह से नचाया जा रहा था, जो उसके बॉडी को ताला लगा दिया गया कांग्रेस मुख्यालय में। और कांग्रेस मुख्यालय जो 24 अपर रोड है उसके ठीक बगल में 10 जनपद का रास्ता जाता है, उसके बगल में शास्त्री जी का घर है और उसी चौराहे पर घुमाया जाता रहा इनकी बॉडी। देश के तमाम प्रधानमंत्री का पार्थिव शरीर राजघाट पर है, नरसिंह राव को यह सौभाग्य सोनिया गांधी ने नहीं दिया। नहीं, उसको तो मुनीष जी उस पाप की भी जो है सफाया किया प्रधानमंत्री मोदी ने, उनको सम्मान दिया। वो जो प्रधानमंत्रियों का जो बनाया है म्यूजियम, उसमें जैसे नेहरू वैसे नरसिंहा राव है, कोई अलग से नेहरू की अलग कोई मूर्ति नहीं लगाई गई है, तो एक म्यूजियम में उनको स्थान दिया है, प्राइम मिनिस्टर म्यूजियम जो बना है, तो वो एक प्रधानमंत्री मोदी उसका वो योगदान अपना कर चुके हैं कि उनके साथ न्याय हो। और मनीष जी जरा बता रहा हूँ कि कैसे नरसिंहा राव को निपटाया गया, इसीलिए आज जब उनको दिया गया तो मुझको बड़ा सुखद आश्चर्य हुआ कि एक और जिन्होंने वो दौर देखा है 91 से 95 का मनीष जी जब तक वो रहे, कि एक बड़ी सुनियोजित कैंपेन चली, क्यों चली मैं बता चुका हूँ कि सोनिया गांधी की आग क्यों लगी हुई थी। और ये जो खैराती हैं यही सब थे, इनमें कोई अभी नए लोग नहीं आए कि पहले कोई और लोग थे, पूरी तरह से तब ये सोशल मीडिया क्योंकि था ही नहीं कि नरसिंहा राव को भारत के इतिहास का सबसे भ्रष्ट प्रधानमंत्री इन लोगों ने घोषित कर दिया था, एकदम सिद्ध कर दिया था, फलाना घोटाला, यूरिया घोटाला और शक्कर घोटाला और दूर संचार घोटाला, दुनिया की बातें की इन्होंने। और ये सब यही चेहरे थे जो अभी आपको प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ, यही राजदीप सरदेसाई, यही पाड़ा, यही NDTV, यही सब लोग थे उस समय। तब ये लौंडे थे, नए नए थे, बड़े जोश खरोश से जुट गए थे। लेकिन मनीष जी इस जिस नरसिंहा राव को देश का सबसे भ्रष्ट प्रधानमंत्री बताते हैं उसके कार्यकाल को, उस समय उन्होंने सिद्ध कर दिया था, इसीलिए वो उनकी 145 सीटें आई 1995 में। कि एक इस बात की कलई खोली है मनीष जी एस गुरु मूर्ति ने, उन्होंने मनीष जी पहले उनका ट्वीट पढ़ा दिखा दीजिए, उसके बाद बात करते हैं कि जरा जो दुनिया जो सबसे भ्रष्ट जिसको इन्होंने बताया था ये खैरातियों का, इनका जरा पाप समझिए ये कैसे पाप करते हैं। ऐसे गुरुमूर्ति जी की ट्वीट आपने, ये 18/5/2019 को है ना? हाँ, अच्छा, ये नर्स के दामाद और उनका नाती 18 मई 2019 को एस गुरुमूर्ति जी से मिलने गए थे। कुछ देर बाद गुरुमूर्ति जी अपने ऑफिस से नीचे आए तो पिता पुत्र की जोड़ी को टैक्सी की प्रतीक्षा करते देखा, तो उन्होंने लिखा कि राव ने भी देश को लूटा होता तो उनका उनके दामाद नाती वाड्रा की तरह शांत से रहते। जरा मैं उनका पूरा ट्वीट पढ़े दे रहा हूँ, वैसे मैंने डाल दिया, दर्शक देख लेंगे। Just now, former PM Narasimha Rao's son-in-law and grandson met me in my office. A while after they left the office, I came down. I saw them waiting for a cab. Compare Rao's son-in-law with Sonia's son. Had Rao also looked like Gandhi's, his son-in-law also would have been like Vadra. Had Rao also looted like Gandhi's. His son-in-law also would have been like वाड्रा। उन्होंने बहुत साफ लिखा था कि अगर गांधी परिवार की तरह नरसिंहा राव ने लूटा होता इस देश को तो उनके बेटे, उनके दामाद और उनके नाती
सड़क के किनारे खड़े होकर टैक्सी की प्रतीक्षा ना करो तो टैक्सी भी ना चल रहे होते। और ये एस गुरुमूर्ति जिनको पर्ची थी उनके उनको बताने की जरूरत नहीं कि एस गुरुमूर्ति इस देश के सबसे सम्मानित पत्रकारों लेखकों विचारकों में से एक हैं। और ये राहुल गांधी के बाप को जो इसका जो पाप बोफोर्स कांड है उसका भंडा फोड़ करने वाले एस गुरुमूर्ति हैं। ये और चित्रा सुब्रमण्यम दो ही आदमियों ने वो जो क्वातुर्थी भागा था इस देश छोड़ के वो एस गुरुमूर्ति और चित्रा सुब्रमण्यम की देन थी, अन्यथा वो छाती में भारत की छाती में मूंग डलता रहता और हम कुछ ना कर पाते। तो ये वो लोग हैं। उन एस गुरुमूर्ति ने 2019 में यानी नरसिंहा राव के बाद देहांत हो चुका है, लेकिन वो जब ये ट्वीट उनका ये बताता है कि किस तरह से एक कैंपेन चलाते हैं ये खैराती। अब तो खैर इनके बस का नहीं रह गया, लेकिन उस समय कोई सोशल मीडिया नहीं था कि इन्होंने नरसिंहा राव को बिल्कुल लुटेरा डकैत टाइप का प्रधानमंत्री घोषित कर दिया था। और केवल इसलिए घोषित किया था क्योंकि वो राजीव गांधी हत्याकांड के उस रहस्य को खोलने वाले थे, उस रहस्य को उन्होंने उस गर्दन में हाथ डाल दिया था जिसका पूछने बाद में प्रियंका गांधी भी 2007 में गई थी कि असली मास्टरमाइंड कौन है, ये जरा इसको इससे जोड़िए मनीष जी कि वो आदमी प्रियंका। अगर सब कुछ बड़ा न्याय हो गया था सब पकड़ में आ गए तो प्रियंका गांधी नलिनी से पूछना क्यों गई थी वो चेन्नई की जेल में कोयम्बटूर की जेल में कि असली मास्टरमाइंड कौन है। तो वो असली मास्टरमाइंड को पकड़ने जा रहे थे। और दूसरे जो नरसिंहा राव की उपलब्धि है वो राहुल गांधी के बाप की पोल खोलती कि वो कितना नकारा निकम्मा प्रधानमंत्री था, भ्रष्ट प्रधानमंत्री था। कि 5.5 बिलियन डॉलर से जो लाके समझिए 2.5 बिलियन डॉलर पे ले आया था हमारा रिजर्व, उसको नरसिंहा राव 25 बिलियन पे ले गए थे। तो दोनों आदमी में जमीन आसमान का अंतर था, कोई तुलना की ही नहीं जा सकती थी। तो ये नरसिंहा राव का ये पक्ष सामने ना आए इसलिए ना जम के उसके खिलाफ कैंपेन चलाई और बाद में तो खैर उनकी लाश तक को अपमानित किया। इन कांग्रेसियों के कहां है अपने पाप की पूर्ति करेंगे, कैसे इनको भगवान माफ करेगा।